मार्तंड प्रसाद गया जी से पूछते हैं, मैं सनातनी हूं। बाबा, परमात्मा को पाने के लिए ऐसी स्थिति क्यों चुनी गई, जब हाथ नहीं हिलते, पांव नहीं चलते, बोला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खाते हैं तो पचता नहीं, भोगा नहीं जाता, कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति हमारे मनुष्यों ने क्यों रखी? बड़ा सुंदर सवाल है। जब से कमेंट्स ऑफ किए हैं तब से ऐसे सुंदर प्रश्न आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि कचरा खत्म हो गया, हमारे मनुष्यों ने चार आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर सन्यास्त आश्रम। पहले 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से सन्यास्त आश्रम। ऐसी अवस्था को क्यों चुना गया परमात्मा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, जब पांव नहीं हिलते, हाथ नहीं हिलते, चला नहीं जाता, कमर टेढ़ी है, खांसी है, रात को नींद ठीक नहीं होती, खाया जाता नहीं, खाते हैं पचता नहीं, ठीक से देखा नहीं जाता, हाथ नहीं हिलते, ऐसे में व्यक्ति प्रयास करेगा क्या परमात्मा को पाने के लिए? पूछते हैं मार्तंड प्रसाद, बाबा क्या ये समझदार लोग थे? अति समझदार लोग थे। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन दुकानदारों के आगे टिकी नहीं, क्योंकि दुकानदार नहीं चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हो। दुकानदार तो चाहते थे कि ऐसी अवस्था को चुना जाए जिन अवस्थाओं में कुछ और काम किए जा सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस की जा सकती है, मेहनत कशी की जा सकती है, अन्न उपजाया जा सकता है, फैक्ट्रीज चलाई जा सकती हैं और बहुत से काम है जो जवानी में किए जा सकते हैं। लेकिन 75 साल की उम्र के बाद संस्था से परमात्मा को पाने का बेला क्यों चुन गया? बड़े समझदार मनुष्यों को मैं सलाम करता हूं, उनके चरणों में कोटि न कोटि प्रणाम। ऐसा सुंदर उपदेश देके गए, लेकिन काश हम समझ लेते, आज भी वो शब्द मौजूद है लेकिन हम समझ नहीं सकते। क्यों बता के गए कि 75 साल की उम्र में सन्यास आश्रम, अब परमात्मा को पा। बड़े मजेदार बात है। मजेदार बात इसलिए है और ऋषियों ने बिल्कुल ठीक सुना, क्या आप समझ सकते हो कि ऋषि पागल थे? ऋषि बुद्धिहीन थे? क्यों चुना?
जब शरीर असक्त हो जाता है मन काम नहीं करता, रात भर नींद नहीं आती, ठीक से पचता नहीं, खाया चला नहीं जाता, बुद्धि कुंठित हो जाती है, काम नहीं करती। वो वेला क्यों चुनी गई? इसका जवाब आपको अष्टावक्र देंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि इसीलिए चुनी गई वो अवस्था कि तुम्हें कुछ पाना नहीं है। जो तुमने पाना है वो मिला ही हुआ है, किसी पुरुषार्थ से मिलेगा ऐसा नहीं, किसी प्रयास से मिलेगा ऐसा नहीं, वह मिला ही हुआ है, वह ही तुम हो। परमात्मा यानी खुशी, परमात्मा यानी आनंद, परमात्मा यानी महासुरूर सुरति कुमार। लेकिन अगर अष्टावक्र को आज पढ़ते हैं लोग, जबकि आज ही पढ़ा जाना चाहिए, समुचित वक्त अष्टावक्र को पढ़ने का आज है, इसकी जरूरत आज। बोला गया जनक से हजारों वर्ष पहले, लेकिन इसकी आवश्यकता है आज। जब तुम होगी किसी प्रयास से पाने की विधि पागलपन नहीं होगी, मैं जब जवान हुआ, मां बाप जब बच्चा जवान हो जाता है तो मां बाप कहता है अरे शादी को कोई लड़की वड़की ढूंढ दे, अब बराबर के तीन भाई दो दो साल की उम्र का फूल, तीनों शादी के योग, बड़ी दुकान चलाता था, ग्राहकों के साथ दिन भर मुशक्कत, रिश्ते आते ब्राह्मण आते दुकान पे बैठते, बात करने का वेला न मिलता, पिताजी बैठे रहते चले जाते, पिताजी मुझसे कहते बेटा शादी करा ले, मैंने कहा नहीं पिताजी मैं नहीं करूं, और अरे बराबर हो जाएगा सबके, मैंने कहा मैंने नहीं करूंगा, मैं बराबर नहीं होना चाहता, मैं ऊंचा हूं उनसे, तुम नीचा करना चाहते हो मुझे, चुप हो जाता, ज्यादा कहने पे मैंने एक दिन मां के पास बैठ गया, मैंने कहा मां मुझे एक बात का जवाब दे, क्या बेटा तू मुझे कहीं से चोरी करके लेके आई, उठा के लेके आई, या अपनी कूख से जन्म दिया है? अरे नहीं बेटा, मैंने अपना पेट फाड़ के तुम्हें जन्म दिया है, प्रसव पीड़ा सह के तुम्हें जन्म दिया है। तो मां तुम मुझे रोज कहती है कि शादी करवा ले, मुझे एक बात का जवाब दे, तेरे 6 बेटे हुए, 2 बेटियां हैं, हाँ 8, बस अब तुम मुझे ईमानदारी से एक बात का जवाब देते ना, फिर फैसला तेरे ऊपर। अच्छा फिर मैं जैसा कहूंगी करोगे? हाँ बिल्कुल, तुझे पता है मैं मातृ पितृ भक्त हूं। हाँ वो तो ठीक, मुस्कुराई माता, यह भी मैंने कभी उनकी बात नहीं, आनंद से चला
जो अच्छा लगा वो तो मैं जानती हूं बेटा, ऐसा पूछ। तो जब मैं जिद कर लेता तो मुझे बोलती, अरे तू तो मूलिया ढेर है। मैं मूल नक्षत्र में रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा हुआ, गणमूलों में पैदा हुआ और उन्होंने इंतजाम भी सभी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहते थे तू जिद्दी बहुत है क्योंकि मूलों में पैदा हुआ है। गण मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति ज्योतिष की बात है, समझ लें, ज्योतिर्विद इस बात को समझ लें। गण मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति बड़ा होनहार और बड़ा प्रबुद्ध होता है। बहुत से लोग जो गण मूलों में पैदा हुए बड़ी ऊंचाइयों को छू गए, महर्षि ध्यान वो स्वामी तुलसीदास, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह होरोस्कोप नहीं बने, अगर उनकी होरोस्कोप आप बनवा लोगे तो गण मूलों में जो व्यक्ति पैदा होता है वह व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। विशेषताएं होती हैं उसमें, और विशेषकर अगर उसकी होरोस्कोप के अंदर गज केसरी योग है, यानी बृहस्पति और चंद्रमा एक स्थान पर बैठे, फिर तो ऐसा व्यक्ति कहर ढा देगा विद्वत्ता। तो मां मुझे कहती डांट के, अरे तू तो मूलिया ढेर है, मानेगा नहीं, मुझे पता। मैं हंस पड़ता। तो मैंने मां से कहा थोड़ी गंभीर हो, मैं एक बात पूछता। पूछ। तू मुझे ये बता कि तेरे 6 बेटे हुए, हाँ 2 बेटियां हुई, हाँ सभी लायक हैं, बिल्कुल मेरे समेत, हाँ तुझे बता दे कि 8 बच्चों के पैदा करने के बाद तूने जीवन में कोई सुख पाया? अब ईमानदारी से बताना मेरे जीवन का सवाल, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं। हम वचन के भी पक्के होते हैं, तो मुझे सोच के बता दे कि कुछ ऐसे लम्हे आए जब तुम्हें सच्चा चैन मिला, सच्ची खुशी मिली, या के झंझटों में ही जीवन गुजार दिया? तो मां कहने लगी, बेटा तेरी बातों से तो दिमाग चकरा गया, तो अब दुकान पे जा सकता है? मैंने कहा हाँ दुकान पे ही जाना। तो फिर इस बात का जवाब बेटा शाम को ले लेना। ठीक है, चला गया। सारे दिन काम धाम किया, वापस आया। ये उन दिनों की बात है जब कशमकश हो रही थी। छोटा भाई शादी करने को तैयार था, बड़ा भाई शादी करने को तैयार नहीं था, और मैं भी नहीं था। तो बड़ा भाई मेरे पास आया कि तू शादी कर ले, मैंने कहा नहीं करो। उन दिनों की कशमकश की बात, वो दुकान पे जाता था, बड़ी दुकान थी मनियारी की, होजरी की, ये सारी कॉस्मेटिक्स वगैरह, चमड़े के बूट वगैरह, सेंटर वगैरह, सब लंबी चौड़ी दुकान, ग्राहक शहर के बीच में दुकान, ग्राहक सुबह से शाम तक भरा रहता दुकान, फुर्सत ना मिलती। सांझ तक जब मैं वापस आया तो मैं तो भूल गया कि मां से क्या पूछ के गया था। तो मां ने मुझे बुलाया, बेटा बैठ। बैठ गया
पहली बार मैंने मेरी माता को इतना चिंतित और इतना दार्शनिक बुद्धि वाला पाया, जैसे वो दर्शन शास्त्र की बहुत बड़ी डिग्री ली, पूर्ण रूप से दार्शनिक भाव से माता बोली, पुत्र के सामने माता झूठ नहीं बोल सकती। तेरे सवाल का प्रश्न सारे दिन मुझे उलझाता रहा, मैंने पल पल याद किया। जब से शादीशुदा हुई तब से आज तक, आज तुमने प्रश्न पूछा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा कोई बच्चा मुझसे ऐसा प्रश्न पूछे। मैंने देखा मां की आंखों में आंसू थे, मैं चुपचाप बैठा देखता रहा। मां ने हाथ जोड़ लिए, मैंने स्पष्ट देखा मां के हाथ कांप रहे थे। ज्यादा भावुक थी, पुत्र तेरे सवाल ने मेरी आत्मा को आंदोलित कर दिया। तो मेरा अंश है, मेरे जिगर के कलेजे का टुकड़ा है, तेरे आगे मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैंने सारा जीवन खंगाल दिया, चैन का तो एक लम्हा भी नहीं, तो मैं तुमसे छुपा नहीं सकती क्योंकि तुमने प्रश्न ही बड़ी ईमानदारी का किया। और पुत्र तेरी जिंदगी का स्वाद, और मैं देख रही हूं कि तू बड़ा मजे से जी रहा है, तेरी मुंह की रौनक छिन जाए, तेरा ये चेहरा लंबा चेहरा हो जाए, इस पर मुर्दानगी छा जाए, नहीं चाहिए। अज्ञानता में मैं तुझे तंग करती हूं, इसके बाद तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि तू शादी कर ले, तूने सवाल ही ऐसा किया। मैंने जिंदगी में कभी एक क्षण के लिए भी सुख नहीं पाया, इधर से चैन मिला, एक समस्या सुलझी तो दूसरी पहले मुंह बाय खड़ी रही, तो पुत्र मुझे क्षमा कर दी। मैंने तुझे तकलीफ दी, तू जैसे जीना चाहता है जी, मैं तुम्हें कभी नहीं, वैसे भी मेरे माता पिता ने ज्यादा हमारे जीवन के अंदर हस्तक्षेप किया। तो मां कांप रही थी, हाथ बांधे हुए थे, ऐसी भाव विभोर अवस्था देखकर मैंने अपनी पेंट की जेब में से रुमाल निकाला, माता के आंसू पोंछे। जैसे बरसों का दुखड़ा आंसुओं के द्वारा बाहर निकल गया हो, इतने आंसू, जैसे मैंने उसकी कोई दुखती रग छेड़ दी, इतने आंसू, खूब रोई खूब रोई। इनका मां, तुझे कोई कमी है द्रव्य की, खाने की, पीने की, पुत्र की, पुत्रियों की कुछ कमी है? अब तो तेरे पुत्र भी हैं। नहीं बेटा, कोई कमी, लेकिन तेरे सवाल, अतीत की दुखती रगों को छेड़ दिया, बस इसलिए वो सारा दुखड़ा मेरे चेतन में आ गया और आंसू बनकर बह गया।
और अभी भी कांप रहे थे। मैंने उसके आंसू पूछे, मां अब तू देख, क्या तू चाहती है कि मैं भी ऐसे ही रहूं? नहीं पुत्र, उसने मुझे छाती से लगा लिया, तू मेरा बच्चा है, तेरा सवाल मेरे हृदय को चीर क्या है? और मां अपने बच्चे से झूठ बोले ये जरूरत कभी नहीं कर सकता। और ऐसे गंभीर विषय जिसमें जिंदगी और मृत्यु का सवाल, तेरी इतनी रौनक देखकर जब तू घर में आता है बेटा, सारे दुख भूल जाते हैं। बच्चे तो और भी हैं, लेकिन खिलखिलाता चेहरा तेरा ही। मैं जीवन को एक खेल की तरह जिया, कभी गंभीरता से नहीं, सदा ही खेल की तरह जीवन जिया। मृत्यु हो, नहर में गिर पड़ा, मौत सामने खड़ी, जिंदगी ने इतने इतने दृश्य दिखाए। पुत्र की लाश सामने पड़ी, 25 वर्ष के जवान पुत्र, लेकिन जिंदगी को खेल की तरह जी। गाड़ी से गिर पड़ा, गाड़ी के नीचे आ जाता, ब्रेक लग गया, बच गए। और न जाने कितनी ऐसी घटना, अगर मैं आज यहां बैठा हूं तो ईश्वरीय कृपा के कारण बैठा हूं, अन्यथा दुर्घटना ही बहुत। लेकिन मेरा बाल बांका है, तुमने बड़ी ईमानदारी से प्रश्न पूछा है मार्तंड, और एक गुरु होने के नाते बड़ी ईमानदारी से ही तुम्हें जवाब देता हूं, जैसे मेरी माता ने मुझे जवाब दिया था। तो जवाब देते देते मेरा मन बोझिल है, क्यों? इन दुष्टों के कारण, जिन्होंने अपने घरों में बांस गाड़ दिए हैं, अपने डेरों में बांस गाड़ दिए। ये लो बेटा, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। तो मैं बड़ा दुखी होता हूं जब मैं एकांत में बैठा होता हूं। अब तो मैं एकांत में ही बैठा हूं 10 वर्ष, तुम बहुत अश्रुओं से भर जाते, इन दुष्टों का नाश भी होगा, ये दुष्ट कभी खत्म भी होंगे, ये दुष्ट मंडली कभी संसार से विदा भी होगी। रोता ये अपने डेरों में बांस गाड़े बैठा, बेटा ये लो, ये लो मंत्र, राम राम राधे राधे, कान में फूंकते थे, आगे मत बताना। ये 4-5 मंत्र ये जपते रहो, ये बांस गाड़ते थे, और तुम्हारी सारी प्रतिभा और तुम्हारा सारा सुख, तुम्हारा सारा चैन ये लोग छीन लेते। मार्तंड तुमने अकेले अपने लिए सवाल नहीं पूछा, अगर इस सवाल को सारी दुनिया सुन ले तो सारी दुनिया के लिए प्रश्न है। ये आज सारी दुनिया इन दुष्टों के जंजाल में उलझ कर, यू आर वट यू आर गोइंग टू सर्च, जो तुम ढूंढ रहे हो तुम ही हो। और हमने कहां सुना, हमने कहां सुना कबीर को, हमने कहां सुना नानक को, हमने कहां सुना कृष्ण को? क्या हम वास्तव में बहरे हैं? क्या हम सच में ही पागल हैं? क्या हमारा उपचार होना चाहिए? क्या हमें पागल खाने में जमा करवा देना चाहिए? बिल्कुल करवा देना चाहिए, और हमें बाद में करवा देना चाहिए। और इन तथाकथित डेरे चलाने वालों को सबसे पहले पागल खाने
भेजना चाहिए। तुम्हारा सारा चैन लूट रहा है, तो फुर्सत के लम्हे जो तुम पैदा कर सकते थे। मुझे एक भी व्यक्ति गिना दीजिए आज तक एनलाइटेंड पर्सन जो किसी विधि के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा हो। मैं चैलेंज करता हूं समस्त मानव जाति को और समस्त मानव जाति के गुरु को, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा करना दीजिए जो किसी भी विधि के द्वारा उस परम सुख को नहीं मिलेगा, क्योंकि होता ही तुमने इतनी मासूमियत से सवाल पूछा। पुत्र तुमने पूछा कि ये चतुर्थ वर्ग क्यों रखा गया परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि पुत्र चतुर्थ वर्ग में शक्ति होती है, कुछ कर नहीं सकता और प्रकृति तुम्हारी सहायता करती है, क्योंकि कुछ न करने से वो मिलता है। पहले तीन चरण तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बनेगा। बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बचपन में खेलते हो कूदते हो आनंद मनाते हो, कौन दुष्ट छीन लेता है तुम्हारे बचपन की मासूमियत, कौन दुष्ट छीन लेता है तुम्हारे बचपन की खलखलाहट को। तुम हंसे थे और तुम्हारे हंसने पे मासूम खलखलाहट को देखकर सिकंदर मन ही मन रोया था, काश इस बच्चे के पास कुछ नहीं, और इसकी खलखलाहट, इसकी मुस्कुराहट, इसका हंसना, बेलाग हंसना, मासूमियत से हंसना मेरे सम्राटत्व को चुनौती दे रहा है। मैं कभी ऐसा हंसा नहीं, बचपन में मैं भी हंसा हूंगा, मेरी माता जानती है ओलंपिया, लेकिन आज इस बच्चे की खलखलाहट को देखकर जिसके पास कुछ भी नहीं, आज सिकंदर शर्मा जाता है, सिकंदर को ईर्ष्या भी होती है। इसलिए ईसा ने कहा ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तुम जैसे जैसे बड़े होते हो, जैसे जैसे तुम प्रतिभा संपन्न होते जाते हो, जैसे जैसे तुम मालिक बनते हो चीजों के, जमीनों के, मकानों दुकानों के, कारों बंगलों के, धन स्वर्ण आभूषण के, कौन है जो तुम्हारे चेहरे की रौनाइयों को छीन लेता है। अगर ये सच्चे गुरु होते तो मेरी मां की तरह रोते, उनके जिगर का टुकड़ा एक सवाल, अंतरंग सवाल पूछ रहा है अपने जीवन की खुशी, और तुम जाते तो हो जीवन की खुशी के लिए। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में,
गम राह में खड़े थे वो ही साथ बोलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। तुम जाते हो इनके पास सुख और चैन लेने के लिए और तुम्हें कह देते हैं इस बांस पे चढ़ते रहो उतरते रहो। मैंने अभी अभी चैलेंज किया है, भूला नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी जरिए से कभी परमात्मा को सुख को पहुंच गया, परम सुख, तो मेरा चैलेंज है मुझसे मिलवा लो। नहीं मिलेगा सारी दुनिया को छान लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे धर्म शास्त्र भरे पड़े हैं प्रयास, और वह प्रयास से मिलता नहीं, मिलेगा भी कैसे। तुम समझदार हो, इतने पागल तो हो नहीं। जो तुम्हारी जेब में है और बाहर खोजने से मिलेगा कैसे, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी जेब में है। और कबीर का कहना तुम सुन नहीं पाते, कबीर कब से पुकारे जाते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवा, ऐसे घट में भी मैं मूर्ख जान। अगर कबीर भी ऐसा करने लग जाते तो उनके पास भी लाखों करोड़ों की कतारें। बस कबीर ने झूठ नहीं बोला, मानवता के ऊपर बड़े से बड़ा उपकार करने वाले ये संत अगर झूठ बोल देते तो इस जलते हुए संसार में और ऐसी आग धधकती कि ये संसार पागलखाना बनकर रह जाता। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तुम जल रहे हो, कारण सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं उस विश्रांति को पाने के लिए, और बड़ी हैरानी की बात है। मैंने कहा मैं रोया कर, मेरी आंखों से सचमुच आंसू आते जब मैं अपने अंत से ही जाकर उस स्वर्ग की बहारों में खो जाता, और लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं कि एक बार बाबा दर्शन करो, और मेरा पुत्र भी कहता है कि अभी नहीं, अभी तो खुद ही वो नहीं है, कहां गए हैं। बस वो वहां गए हैं जहां चैन और सुकून की बांसुरी बज रही। यह आनंद से सारा भोर खुमारी और मस्ती का सागर झूम रहा है, नृत्य कर रहा है। वो वहां गए देख लेते हैं धीरे से, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर। 10 वर्ष से व्यक्ति बैठा, जब सड़कों पे चल रहा था तब भी कोई कम ना था। और फिर मैंने सोचा कभी किसी के मोड़ा लग जाता है, कभी किसी के साथ बैठ जाता हूं मस्ती और खुमारी, तो बैठ ही जाना ज्यादा बेहतर। और मैं बैठ गया, और ऐसा खोता हूं और ऐसा खोता हूं उस आनंद के सागर को जी भर के पीता, उस मदवा को। सुरत कलारी पई मतवारी,
सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले, मदवा पी गई बिन तोले। जाम पीते हैं, पैमाना पीते हैं, लेकिन वो पैमाने का माप नहीं होता। मदवा पी गई बिन तो कोई पैमाना नहीं, कितनी पी ली कितनी रह गई कोई हिसाब नहीं। ऐसे समुद्र में डूब जाता है। किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, मैनू ए हो हिसाब ले बैठा। कुछ नहीं पता चलता कितनी पी ली कितनी बाकी है, कितनी भी पी चल और पीने का मन करता है, और पीने का मन करता है। जन्मों जन्मों का प्यासा भूखा अतृप्त, उसकी चाहत लिए, तृप्ति की चाहत लिए दर दर मारा फिरता भटकता। कभी किसी का द्वार खटखटा दिया, द्वार खुला, पता लगा ये तो धन का द्वार है, दूसरे द्वार पे गया, खटखटाया, द्वार खुला, पता लगा कि ये तो पदवी का द्वार है, और सभी द्वारों पे गए। ये इंफॉर्मेशंस का द्वार, यहां सब सूचनाएं एकत्रित हैं, या मान सम्मान का द्वार, सभी खटखटाए और भीतर से देखा तो वापस ही मुड़काए। लेकिन एक द्वार हम खटखटाते नहीं, और उसी द्वार में है कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट में पी है मूर्ख जाने, काहे रे बन खोजत जाए। क्यों जाता है, कौन सा संत है जिसने ये कहा हिमालय में मिलेगा यहां नहीं मिलेगा। कोई संत है नाम गना दो, काहे रे मन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। सभी कहते हैं थोड़ी सी अपनी जेब भी फ्लोर लो, खंगाल लो, तुम्हारी जेब में तो नहीं जिसे ढूंढ रहा, जेब में ही है। ऐसे घट में मारतंड, तुमने सवाल पूछा, मानवता के ऊपर एक उपकार किया, कोई मेरी आवाज को आज सुने सुने न सुने, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ज
जब ये आवाज घर घर में गूंजेगी और सत्य में गूंजेगी और लोग इन डेरों में जाना छोड़ देंगे, इन स्थानकों में जाना छोड़ देंगे, इन आध्यात्मिक केंद्रों में जाना छोड़ देंगे, हां हां वो दिन आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि सत्य में सत्य सत्य हारता नहीं, देरी हो जाती है। बादल ढक लेते हैं सूरज को, लेकिन सूरज कभी गुम होता है नहीं, सूरज कभी लापता होता है नहीं होता, बस सूरज ढका जाता है, आज ऐसा ही ढका गया है, लेकिन सूरज मिट गया है, इसका भ्रम मत पाल ले, वक्त आएगा